चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में बेकिंग की सबसे यूजफुल ट्रिक डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम की डार्क कंपाउंड चॉकलेट की ब्रिक ली है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेज में बिल्कुल इवनली कट कर लेंगे ताकि हम जब चॉकलेट मेल्ट करें तो चॉकलेट इजीली मेल्ट हो जाए, नहीं तो बड़े बड़े पीसेज लेने में चॉकलेट इवनली मेल्ट नहीं हो पाती है और गार्निशिंग करते टाइम चॉकलेट में वो फिनिशिंग भी नहीं आ पाती है। अब चॉकलेट को एक बड़ी साइज़ के बाउल में डाल देंगे। यहाँ पे बाउल की साइज़ पैन की साइज़ से बड़ी लेनी है ताकि बाउल को इजीली पैन के ऊपर रख सकें। अब एक पैन में करीब 2 ग्लास पानी डाल के उसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और उसके ऊपर चॉकलेट वाले बाउल को भी रख देंगे। पैन में पानी इतना ही होना चाहिए कि वो चॉकलेट के बाउल पे टच ना हो और गैस की फ्लेम इस हिसाब से रखें कि पैन में से पानी बाहर नहीं आए। अब चॉकलेट को इस स्पैचुला से चलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट जल्दी मेल्ट हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है चॉकलेट को मेल्ट करने का। बस इसमें ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इस स्पैचुला बिल्कुल ड्राई हो और चॉकलेट में पानी बिल्कुल भी ना गिरे। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, अब बाउल को एक साफ कपड़े पे रखकर चारों तरफ से स्टीम लग गई है उसे साफ कर लेंगे। चॉकलेट यहाँ पे रेडी है। सेम इसी तरीके से आप व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर सकते हैं। पानी और चॉकलेट का रिलेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए मेल्ट करते टाइम चॉकलेट पानी के कांटेक्ट में ना आए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, उसके लिए माइक्रोवेव सेफ बाउल का यूज़ करें और 30-30 सेकेंड के इंटरवल पर चेक करते रहें। मुझे फ्लेम पर ही चॉकलेट को मेल्ट करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये मेरे पूरे कंट्रोल में रहती है। यदि आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो बस इसी आसान तरीके से आप केक के लिए, चॉकलेट बनाने के लिए चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।